दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो अभी 24-25 अगस्त में परीक्षा हुई 24-25 अगस्त 2023 को प्राइमरी की अगर हम बात करें। और यहाँ पर आपने देखा कि जब हम बात करते हैं 18 अक्टूबर 2023 को तो परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। मतलब एक हम आप अक्सर सुने होंगे बिहार के बारे में कि बिहार जब भी एक दिमाग में आता है तो आपके मुंह से, या हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं तो ये निकलता था कि काफ़ी पिछड़े उसमें बात करें या जो भी कह लो आप ऐसे में। लेकिन अगर हम यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बात करें, जिस शानदार तरीके से वहाँ की सरकार ने, बीपीएससी ने जिस तरीके से परीक्षा का आयोजन जो है वो करवाया है वो काबिले तारीफ है। आपने देखा लाखों से ज़्यादा, 1,22,000 पदों पर भर्ती पूरी की पूरी उन्होंने कम्प्लीट कर दी 2.5 महीने में। केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करते हैं, इतना बड़ा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जो है, एक इतना बड़ा संस्थान, 6,000 पद पीआरटी की अगर हम बात करें उससे कम ही पदों पर भर्ती होनी है। फरवरी मार्च में पेपर हुआ और अभी तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थी लगातार परेशान है, कहीं ना कहीं मैसेजेस जो है वो लगातार कर रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, डेली बेसिस पर वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ को उसको विजिट कर रहे हैं, आरटीआई डाली जा रही है, ट्वीट हो रहे हैं, ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन केवीएस के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है कि ऐसे में वो केवीएस पीआरटी के परीक्षा परिणाम को जारी करे। कम से कम बिहार सरकार से उसको सीख लेने की ज़रूरत है, एक इतने बड़े संस्थान को। यहाँ पर अब रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बस यही आप कर सकते हो कि जो ट्वीट है, लगातार जब हम एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करते हैं, केवी संगठन की बात करते हैं, घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं। जो भी केंद्रीय विद्यालय केवीएस हेडक्वार्टर नई दिल्ली के आसपास से हैं वो ज्ञापन केवीएस हेडक्वार्टर जाकर के ज़रूर देते रहें। ऐसे में जो भी मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो उनका ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर ट्वीट ज़रूर करते रहें। यही एक ऐसे में तरीका है जहाँ से कहीं ना कहीं आप थोड़ा दबाव बना सकते हैं। बाकी आप अगर ये बात करते हैं कि वहाँ पर आरक्षण की बात चल रही है, रोस्टर की बात की, भाई उन्होंने पीएच कैटेगरी में नहीं रखा था इसलिए रिजल्ट रुका है, मामला बीएड का भी यहाँ पे है, आईए लगा है, तो इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा बिहार सरकार ने किस तरीके से तेज़ी से रिजल्ट दे दिया अपना, जबकि मामला कोर्ट में है, फैसले की तारीख भी तारीख पे तारीख दी जा रही है, 20 तारीख से वो डेट 30 तारीख हो गई सुनवाई की, लेकिन उसने अपना जो काम करना था वो उसने किया। तो आप लोग ये काम ज़रूर करिए, ऐसे में यही एक तरीका है जिससे केबीएस पर फिर से एक बार दबाव बनाया जा सकता है कि वो परीक्षा परिणाम को जारी करे। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।